आइए देखते हैं कुछ टिप्स और टेक्निक्स आफ्टर इफेक्ट्स में, जिससे आप काफी टाइम सेव कर सकते हो। किसी भी लेयर का अगर मुझे ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, तो मैं यहाँ सिंपली मोड के ऑप्शन पे जाके यहाँ ड्रॉप डाउन पे वो ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन मैं कुछ श्योर नहीं हूँ कि मुझे कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। कई टाइम ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे ये वाला मोड चेक करना है या कौन सा मोड चेक करना है। काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है और इसमें एक एक करके मैं करने लूँगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेरे को। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली लेयर को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ प्लस अगर मैं प्रेस करूँगा तो आप देखोगे ये एक एक मोड स्विच हो रहा है। और इसी के साथ शिफ्ट के साथ ही मैं अगर माइनस प्रेस करूँगा तो आप देखोगे ये बैक जा रहा है, प्लस से फॉरवर्ड जाएगा। और मैं वहाँ सिंपली रोक सकता हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ ओवरले रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं नहीं तो मैं यहाँ पे एक एक करके जाता, तब जाके मैं यहाँ पे मेरे को ये अच्छा लगता। तो ये मैं कुछ इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली शिफ्ट और प्लस या माइनस स्विच बिटवीन ब्लेंडिंग मोड्स। तो यहाँ टाइमलाइन पे कुछ लेयर्स हैं और आप देखोगे इन सारी लेयर्स पे स्केल और रोटेशन की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी चेंज कर रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी बैक टू ज़ीरो हो जाएं, यानी स्केल की है तो 100% हो जाए और रोटेशन है तो 0 डिग्री हो जाए, राइट, बेसिकली रीसेट हो जाए। तो मेरे को अगर क्विकली करना है तो मैं कैसे करूँगा, इन सारी लेयर्स पे एक साथ करना है तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ देखोगे रीसेट, ठीक है। तो आप देखोगे बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी ज़ीरो हो गई। लेकिन आपको अगर किसी एक प्रॉपर्टी के लिए करना है तो वो कैसे करोगे, जैसे मान लो आपको सिर्फ स्केल को रीसेट करना है, आपको जाना है यहाँ सिलेक्शन टूल पे, इसको डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे स्केल की प्रॉपर्टी रीसेट हो गई। और अगर आपको रोटेशन की करनी है तो सिंपली आप रोटेशन टूल पे जाओगे ऊपर, इसको डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे रोटेशन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट लेयर है, एक शेप लेयर है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट लेयर इस शेप के ऊपर आ जाए, तो सिंपली मैं इसको मूव करके इसके ऊपर और रोटेशन को सही करके वापस से और एग्जैक्टली इसको प्रिसाइजली थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके ये पेरेंट और लिंक्स पे जाके शिफ्ट होल्ड करके पिक विप को उठा के इसको पेरेंट कर देना है, एग्जैक्टली सेंटर पे वो फिट हो गया। अब अगर मैं कोई भी इफेक्ट इस पे डालूंगा तो आप देखोगे इसका एनिमेशन एग्जैक्टली फॉलो होगा। जस्ट मेक श्योर करना कि इसका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में हो, अगर किसी दूसरे कॉर्नर पे हुआ और फिर हमने किया तो आप देखोगे कुछ इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और सेम चीज़ आप किसी भी लेयर के साथ कर सकते हो। यहाँ मेरे पास एक बॉल है और एक स्टिक है, और स्टिक का जो एंकर पॉइंट है मैंने टॉप पे किया हुआ है, इस बॉल पे थोड़ा सा मैंने एक एनिमेशन दिया हुआ है, ये बेसिकली राउंड हो रहा है, आपको भी सर्कल है तो दिख नहीं रहा है। मैं सिंपली इस लेयर को सेलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करके फिर से पिक विप को यहाँ से पेरेंट कर देता हूँ इस स्टिक वाली लेयर को पॉप से। आप देखोगे एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आ गया, क्योंकि हमने एंकर पॉइंट वहाँ टॉप पे लिया था इसके स्टिक पे। तो आप देखोगे कोई भी एनिमेशन इस पे डाला वो इजीली इस पे फॉलो हो जाएगा और इससे आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड के नम पैड पे प्लस प्रेस करेंगे तो आप देखोगे एक एक डिग्री कोई भी लेयर जो है वो रोटेट होगी। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करूँगा तो आप देखोगे 10-10 डिग्री रोटेट होगा, और अगर मैंने माइनस प्रेस किया तो ये बैकवर्ड पे जाएगा, सिंपली कम हो जाएगा। इसी के साथ अगर मुझे स्केल की वैल्यू कीबोर्ड से चेंज करनी है तो सिंपली अपने नम पैड पे कंट्रोल होल्ड करके प्लस मैं अगर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे 1-1% ये बड़ा हो रहा है। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं अगर प्लस प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे 10-10 डिग्री कम ज़्यादा हो रहा है, अगर माइनस प्रेस करूँगा तो कम होगा सिंपली। इसी के साथ की ओपेसिटी की भी देख लेते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट और अगर मैंने प्लस किया तो आप देखोगे ओपेसिटी 100% है तो चेंज नहीं हो रही, अगर मैंने माइनस किया तो देखोगे कम हो रही है, और अब अगर मैं प्लस करूँगा तो ये बढ़ेगी। तो इस तरह से हम कुछ वैल्यूज़ को अपने कीबोर्ड से भी मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो आइकन्स है जो कि इलस्ट्रेटर में है, और मैं चाहता हूँ कि इन्हें आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाऊँ। दो तरीके से मैं इसे कर सकता हूँ, या तो मैं AI फाइल सेव कर लूँ और फिर उसे आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर कर सकता हूँ, या मैं दूसरा तरीका जो ओवरलोड प्लगइन यूज़ करके कर सकता हूँ। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, सिंपली इस वेक्टर शेप को कॉपी करो और यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में आके पेन टूल लेके यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा, आप देखोगे हम पे एक शेप लेयर मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पेस्ट कर दो। आप देखोगे एग्जैक्टली सेम पाथ और कॉन्टेंट सब कुछ इसमें आ जाएगा। अगर मैं फिल के अंदर जाऊँगा मैं यहाँ पर ईजिली कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपली एक और ला के देखते हैं, तो पहले मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ बाहर, और यहाँ वापस से इलस्ट्रेटर में आके कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ वापस से एक फिर से क्लिक करता हूँ जिससे मुझे एक शेप लेयर मिल जाएगी, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन के सेंटर में हमारे पास ये शेप लेयर बन जाएगा, और मैं यहाँ पर ईजिली इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। और इस पर कोई भी इफेक्ट या एनिमेशन आप करोगे ये एज अ शेप लेयर ट्रीट करेगा।
जो कि आपको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है ना कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, और इससे आपका काफ़ी काम आसान हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो कुछ लेयर्स हैं, और इस लेयर्स पे सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रखे हैं मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि एकदम से इन सारी लेयर्स पे वो इफेक्ट रिमूव हो जाए, कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। टेम्परेरी अगर मुझे रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स का जो यहाँ पे छोटा सा आइकन है इसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये सब पे रिमूव हो जाएगा, बेसिकली हाइड हो जाएगा, ऑलरेडी इफेक्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सारी लेयर्स से वो इफेक्ट कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, और वो एक साथ करना है मेरे को। मैं एक एक करके नहीं जाना चाहता हूँ कि एक एक जाऊँ फिर मैं यहाँ से डिलीट करूँ, वो नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करूँगा तो आप देखोगे किसी भी लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं है। कंट्रोल पैनल पे अगर आप देखो सब गायब हो गया, कंट्रोल शिफ्ट ई, ई यानी इफेक्ट्स। तो जब भी हम कोई शेप लेयर क्रिएट करते हैं उसका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में नहीं रहता, उसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पहली चीज़ तो कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करेंगे तो आप देखोगे एंकर पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे हो गया आपके शेप लेयर के। लेकिन अभी मेरे को बार बार नहीं करना है, उसके लिए क्या करना होगा, आप जाइए एडिट प्रेफरेंसेस जनरल, यहाँ देखोगे आप एक ऑप्शन है सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, और अब मैं कोई भी शेप लेयर क्रिएट करूँगा तो उसका एंकर पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर में होगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट लेयर्स हैं, और इन टेक्स्ट लेयर पे आप देखो किसी पे गुड किसी पे बैड और सब पे मैंने 111 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इनसे रिप्लेस करना है एक साथ, तो वो मैं कैसे करूँगा। इन सारी लेयर को सेलेक्ट करके आप आ जाओ यहाँ फाइल स्क्रिप्ट्स, और यहाँ देखोगे फाइंड एंड रिप्लेस। अब ये फाइंड और रिप्लेस एग्जैक्टली उस तरह से काम करता है जो अभी तक का आपने एक्सेल शीट्स और वर्ड डॉक्यूमेंट में करते आए हो, राइट। यहाँ पे सिंपली मेरे को वन, मान लीजिए वन है, इसको मुझे टू करना है तो पहले मैं वन वन लिख रहा हूँ, और इसको मुझे रिप्लेस किससे करना है, टू से, और इसको मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। आप देखो सारे ये चेंज हो गए। अब इस टेक्स्ट लेयर से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो चीज़ें, जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ ये बैड वाली लेयर सेलेक्ट करनी है जहाँ मैंने बैड लिखा है, तो सिंपली बी ए डी बैड सर्च किया और फाइंड ऑल किया मैंने, तो आप देखोगे ये सिर्फ उसने वो वाले सेलेक्ट के लिए है। सिंपली अगर मुझे यहाँ पे डिलीट करना है या कुछ भी इसके साथ करना हो मैं वो कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।